नमस्कार दोस्तों, ये पौधा जो देख रहे हैं आप, एक ग्रो बैग है 15 इंच का, उसमें है। ये ड्रैगन फ्रूट प्लांट पौधा है। तो देख, ये काफ़ी अच्छे इसकी ग्रोथ हो गई है, बड़ी ग्रो, ज़्यादा बड़ा हो गया है काफ़ी, बहुत सारे इसमें ब्रांच आ गई हैं। तो इसको आप आसानी से जो है ग्रो बैग में या बड़े गमले में, कंटेनर में लगा सकते हैं। तो इसकी इस समय नई ग्रोथ हो रही है, ये नीचे से काफ़ी सारी इसमें ब्रांच आ रही है। तो जो जड़ों के पास नीचे ब्रांच आती है, अक्सर हम पौधों की ऊपर ग्रोथ हो जाए उसके लिए इनको काट देते हैं। तो इसको ड्रैगन फ्रूट प्लांट में भी सेम ही प्रिंसिपल काम करता है कि नीचे अगर इनकी ज़्यादा ग्रोथ होगी तो ऊपर से जो ग्रोथ है वो कम होगी, ऊपर से जो टहनी आ रही हैं, इसमें ब्रांच आ रही हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ये मैंने इसमें से नीचे तीन बड़ी ब्रांच आ रही थी, बहुत अच्छे से ये बढ़ रही थी, तो इनको मैंने काट दिया है। और इनको इसी गमले में मैं ऐसे डाल दूँगी, इनमें से जिसमें भी जड़ आ जाएंगी उसको मैं दूसरे इसमें लगा दूँगी, तो दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दूँगी। तो ये इस तरह से ड्रैगन फ्रूट का जो एक जो पौधा होता है, उसी से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। जो आप शुरू में कटिंग लेते हैं, अगर वो फ्रूट देने वाले किसी मैच्योर पौधे की होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब नीचे से मैंने इनको काट दिया है और ऊपर आप देख सकते हैं हर जगह इसमें नई ग्रोथ हो रही है, नई नई ये छोटी छोटी ब्रांच आ रही हैं ये, और ये अभी बड़ी सॉफ्ट हैं, इनके कांटे जो हैं वो भी ज़्यादा शार्प नहीं हुए हैं। जो पुरानी हैं उनके कांटे बहुत तेज़ होते हैं, तो उनको छूना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो नई ब्रांच है ये बहुत सॉफ्ट है और अभी काफ़ी सारी ये ग्रोथ हो रही है। तो नीचे वाली मैंने काट दी हैं जड़ों के पास से, तो सारा न्यूट्रिशन अभी नहीं लगेगा और ये पौधा जो है ऊपर से ज़्यादा घना हो जाएगा। ड्रैगन फ्रूट प्लांट को लगाने के बाद लगभग 3 साल का समय लग जाता है फ्रूटिंग करने में। आसानी से इसको गमले में इनमें उगाया जा सकता है, सिर्फ इसकी जो मिट्टी है वो रेत वाली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है, लू जब चलती है, उससे सिर्फ इसको बचाना है, थोड़ा शेडेड एरिया में रखें, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। वरना तो इसको आप वही नॉर्मल जो खाद होता है वो बीच बीच में, महीने से 20 दिन में एक बार खाद देते रहें और इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना रुकने दें, तो आसानी से आप इसको उगा सकते हैं और इससे आप फल प्राप्त कर सकते हैं।